और देखिए दोस्तों, हमारा गुग्गू अंगूर लिया है और कितना खुश है। अंगूर खाओगे गुग्गू? अच्छा है कि नहीं? तो खा लो बाबू, अभी धुल जाएगा। हाँ, देखो हमारा गुग्गू खा रहा है अंगूर। देखिए दोस्तों, मजा आ रहा है? मीठा है कि नहीं? मीठा है ना? चलो खा लो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीपा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आप सभी को चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करें। और देखिए परीधर जो है दोस्तों आज स्कूल नहीं जाने वाली है, चाय पी रही है, क्योंकि आज जो है दोस्तों हमारे जो घर के बगल में ये घर बन रहा था, तो ये जो है इसका मतलब दीवार पूरा हो चुका है, तो आज इसमें जो है छत लगने वाला है, तो पूरी वगैरह बनेगा शाम को। तो दोस्तों आज ये लोग सुबह से ही पढ़ने नहीं जा रहे हैं, क्यों परी? हम लोग आज सेल्फी देखेंगे। चलो अच्छा बोलो पहले दोस्तों को गुड मॉर्निंग। ये दोस्तों देखिए हमारा गुग्गू बोला है दुख मॉर्निंग, तो दोस्तों इसका गुड मॉर्निंग आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और उधर परी की मम्मी देखिए दोस्तों हमारे लिए रोटी बना रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अनुवातन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, माता रानी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। तो दोस्तों परी की मम्मी की तरफ से भी सभी को चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अभी जो रोटी बन रहा है और हमको जाना है ड्यूटी। चाय पिए थे? तो देखिए दोस्तों मेरा गुग्गू बोल रहा है कि अभी मैं चाय पी रहा हूँ। और वो जीरा खाए कि नहीं खाए गुगु? चलो दोस्तों को बताओ, जीरा खाए हो कि गुल्ला? क्या खाए हो? गुल्ला। तो दोस्तों हमारा गुगु गुल्ला खा चुका है। और तो दोस्तों मैं अभी थोड़ी देर में जो है खाना खा करके निकलने वाला हूँ ड्यूटी के लिए। और दोस्तों अभी मेरा सब्जी निकल चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये देखिए मेरा सब्जी। और अभी मैं चल रहा हूँ खाना खाने दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ देखिए काम पर, तो इसी घर का मैं दोस्तों पेंटिंग कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसी घर का पेंटिंग हो रहा है और ये वाला डिजाइन जो है बन रहा। देखिए अभी ये सिंगल कोट हुआ है दोस्तों, और ये वाला डबल कोट हो गया है दोस्तों। तो ऊपर थोड़ा सा बाकी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अंदर दिख रहा होगा आपको, तो उसको भी डबल करना है। तो दोस्तों हमारा ये पेंटिंग आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी घर का जो है पेंटिंग मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं डेली काम करने आता था, तो आज ये जो है लास्ट दिन है दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर काम करने का, क्योंकि ये घर जो है पेंटिंग करके फाइनल हो चुका है लगभग दोस्तों। और ऊपर देख सकते हैं मोल्डिंग वगैरह दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है दोस्तों हमें तो। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि घर कैसा दिख रहा है और पेंटिंग कैसा था दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ से जो नीचे तक हो गया है और अभी ये ऊपर करना है। तो देखिए दोस्तों अभी मैं जो है काम करके घर वापस आ गया हूँ, और मेरा गुग्गू इधर पता नहीं क्या लिया है। गुग्गू क्या लिया हो दिखाओ तो हमको भी। और ये तो नाखून काटने वाला है दोस्तों, देखिए क्या है, क्या है बाबू, क्या लिए हो? नाखून काटने वाला। तो और आयुष तुम पढ़ नहीं रहे हो? पढ़ाई किए कि नहीं? खाना ज्यादा खा लिए है ना, इसलिए नहीं पढ़ रहा है। और उधर पड़ी बैठी है दोस्तों देखिए, और इसका इधर जो है अपना हाथ पैर चला रही है, पूरी सब्जी खा करती है। और दोस्तों जो हमारे घर के बगल में घर बन रहा था, आज उसका जो है छत लग गया है, तो खाना भी बना था उनका, तो उसका ब्लॉग नहीं बन पाया दोस्तों, लेकिन पूरी सब्जी बना था देखिए दोस्तों। अरे चावल बना था, दिखा रहे घर पे जब पूरी सब्जी बना था, तो हम लोग खाना खाए जा कर के घर पर, परी की मम्मी जो है अपना खाने के लिए घर नहीं बना था, सब मिला था, दाल चावल भी बना था दोस्तों। और देखिए दोस्तों मैं यहाँ अंगूर लेकर के आया था मार्केट से खाने के लिए। और देखिए दोस्तों अभी 9 बज गए हैं, लेकिन हमारा गुग्गू भी सोया नहीं है, देखिए भूत बनकर डरवा रहा है सबको। अरे रहने दे बाबू गुग्गू, हाँ तो देखिए दोस्तों हमारा गुग्गू भूत बनकर डरवा रहा है सबको। और परी और आयुष जो है सो रहे हैं देखिए दोस्तों,
और परी की मम्मी लगा रही है तेल उनके पैर में। इसका पैर दर्द कर रहा था दोस्तों, तो परी की मम्मी लगा रही है तेल। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा मच्छरदानी लग गया है और हम लोग कंबल भी निकाल लिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं क्योंकि आजकल थोड़ा सा ठंडक बढ़ गया दोस्तों, बारिश होने की वजह से हमारे गाँव में बारिश हुआ है तो जो है ठंडक थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए कंबल को निकालना पड़ा। वैसे दोस्तों ये कंबल जो है हम लोग बक्से में रख दिए थे, है कि नहीं, बक्से में रख दिए थे ना, बक्से में रख भी निकालना पड़ा जब बारिश हो, ठंडा मौसम हो गया। हाँ दोस्तों तो अभी ठंडक लग रहा था रात में तो कंबल निकालना पड़ा दोस्तों। और दोस्तों परी और आयुष दोनों सो गए हैं दोस्तों, देखिए आयुष सो रहा है और परी अपनी जो है दादी के पास सोई है दोस्तों, वो दादी के पास सोती है। हाँ वो जो है रेगुलर जो अपनी दादी के पास सोती है दोस्तों। और मशीन बनवा दीजिए। तो दोस्तों देखिए अभी परी के मम्मी बोल रही है कि कल जो है मशीन बनवाना है, इनको याद करने भूल जाते हैं इसीलिए इतना टाइम याद करा रहे हैं। सिलाई वाली मशीन है दोस्तों तो काफ़ी दिन से ख़राब है तो ऐसे रखा हुआ है, और परी की मम्मी को जो है अपना ब्लाउज और बहुत सारा सामान सिलना है तो जो हमको मशीन भी कल रेडी करवाना है दोस्तों। और जो मेरा नल था दोस्तों वो भी ख़राब हो गया है तो उसको भी हमको रेडी करना है कल, क्योंकि हमको छुट्टी नहीं मिल रहा था दोस्तों, काम पर जाते थे तो हमको समय नहीं मिलता था। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर मच्छर कहाँ से आ गए, देखिए दोस्तों इतना मच्छरदानी लगाने के बावजूद हमारे घर में मच्छर कितना है, और ये आ जाते हैं इतने बड़े नहीं दोस्तों, उतने बड़े बड़े मच्छर नहीं है, छोटे छोटे मच्छर, मच्छर तो मच्छर होता है ना, कहीं कभी मच्छर हो तो अभी मच्छर जो है घुस गया दोस्तों, एक दो मच्छर है उसको अभी हम निपटा देंगे थोड़ी देर में दोस्तों, मार मार के उसको। तो दोस्तों कल हमको जो है नल वगैरह रेडी करना है, कल से हमारा छुट्टी है दोस्तों, अभी काम हमारा ख़त्म हो गया है तो देखते हैं नया काम कब आता है, जब नया काम आ जाएगा दोस्तों तो फिर हमको जाना पड़ेगा काम पर। तो जब तक दोस्तों छुट्टी है तब तक मैं घर का कुछ काम कर लेता हूँ बढ़िया, और परी की मम्मी का उसमें हेल्प भी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको बहुत सारा काम करना पड़ता है दोस्तों घर पर, खेत का भी काम है और घर का भी काम है, खाना बनाना, बच्चों को रेडी करना, खुद को रेडी करना, मेरे लिए खाना बनाना, मेरा कपड़ा धुलना, बहुत सारा काम परी की मम्मी करती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से परी की मम्मी बहुत सारा काम करती है, तो हमारी परी की मम्मी के लिए दोस्तों आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।